नमस्कार, छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। देहरादून आईएमए में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। पास आउट हुए 423 प्रशिक्षित अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। एमपी के 13 कैडेट्स और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट्स हुए शामिल। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की सलामी। पीएम मोदी को दिन लगातार मुख्यमंत्री के साथ करेंगे बैठक। 5 मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। 16 और 17 जून को करेंगे बैठक। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। केस 3 लाख के पार। दुनिया में चौथे नंबर पर है भारत। बेमित्रा हुई जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक। महिला एवं बाल विकास मंत्री समेत कई नेता रहे मौजूद। और जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को गिराया। सर्च ऑपरेशन जारी। आप देख रहे हैं KNews, खबरों का सारथी। खबरें शुरुआत करते हैं भारतीय सैन्य अकादमी पासिंग आउट परेड सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी के साथ ही आज भारतीय सेना को 333 जाबाज युवा सैन्य अधिकारी मिल गए हैं। एक बार फिर से सैन्य अधिकारियों के मामले में उत्तराखंड को दबदबा कायम है और यहां से 31 कैडेट पास आउट हो गए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के 13 कैडेट्स और छत्तीसगढ़ के 4 कैडेट शामिल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पासिंग आउट परेड। देहरादून आईएमए में पासिंग आउट परेड। पास आउट हुए 423 प्रशिक्षु अधिकारी। देश को मिले 333 जाबाज नए अफसर। पहली बार सीधे यूनिट में दी जाएगी तैनाती। पासिंग आउट परेड में भारत के शूरवीर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने ली सलामी। देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच देश को सरहद पर चीन की चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चल रही तनातनी के बीच 13 जून को देहरादून की भारतीय सैन्य अकादमी में प्रशिक्षु अधिकारियों की पासिंग आउट परेड हुई। सादगी के साथ आयोजित पासिंग आउट परेड में नए अधिकारियों के परिजन शामिल नहीं हुए। हालांकि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में ऐसा पहली बार हुआ है जब पासिंग आउट परेड के बाद नए अधिकारियों को सीधे यूनिट में तैनाती दी जाएगी। बता दें, देश के 333 भावी सैन्य अफसर देश सेवा में समर्पित हुए। इसके अलावा 90 विदेशी कैडेट्स भी अपने देश की सेना में शामिल हुए हैं। इसके साथ ही वे भारतीय सेना का हिस्सा बने हैं। परेड में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर ने भाग लिया। बता दें, इस बार 333 भारतीय और 90 विदेशी कैडेट्स आईएमए में प्रशिक्षण पूरा कर भारतीय सेना और विदेशी कैडेट अपने देशों की कमान संभालने को तैयार हुए हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कैडेट बिना अपने माता पिता और रिश्तेदारों के बगैर अंतिम पग भरा। परेड भी कैडेट्स ने मुंह पर मास्क पहन कर की। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किस राज्य से कितने कैडेट्स शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 66 कैडेट्स, उत्तराखंड के 31 कैडेट्स, बिहार के 31 कैडेट्स, दिल्ली के 7, गुजरात के 8, छत्तीसगढ़ के 4, चंडीगढ़ के 3 कैडेट्स, हरियाणा के 39 कैडेट्स, हिमाचल प्रदेश के 14 कैडेट्स, जम्मू कश्मीर के 14 कैडेट्स, झारखंड के 4 कैडेट्स, कर्नाटक के 7 कैडेट्स, लद्दाख से 1, केरल के 8 कैडेट्स, मध्य प्रदेश के 13 कैडेट्स, महाराष्ट्र के 18 कैडेट्स, पंजाब के 25 कैडेट्स, राजस्थान के 13 युवा कैडेट्स, नेपाल के भी 3 कैडेट्स।
सेना में अधिकारी बनकर हिंदुस्तानी नए कैडेट्स दुश्मनों के दांत खट्टे करने को तैयार हो गए हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार पीओपी में आईएमए की ओर से किसी भी कैडेट्स के परिजनों को बुलावा नहीं भेजा है। सबसे बड़ा बदलाव ये देखा कि जो कोविड प्रोटेक्शन हैं, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से रिलेटेड, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं, जैसे वेयरिंग ऑफ मास्क, फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और ये आपने परेड में देखा और अभी आप पिपिंग सेरेमनी में भी देखेंगे। एक जो मेजर बदलाव ये रहेगा कि पेरेंट्स नहीं आ पाए हैं इस बार पासिंग आउट कोर्स के, जेंटलमैन कैडेट्स के जो ऑफिसर बनने जा रहे हैं, वो रोल एक ऑफिसर और उनकी लेडी वाइफ ये अदा करेंगे। उनका रोल पासिंग आउट कोर्स है, वो अपने अपनी यूनिट्स में जाएंगे और जो ट्रेनिंग हैं जिनकी आगे के टर्म की ट्रेनिंग है, वो थोड़े छोटे से ब्रेक के बाद यहीं पर रहेंगे और ट्रेनिंग रिज्यूम होगी। लोग हैं ना, इसीलिए हमने आपका पार्टिसिपेशन मांगा है। और बाकी हम हैं, आप देख रहे हैं, सारा स्टाफ है, उनकी वाइफ्स हैं और पूरी फैमिलीज हैं, और हम करेंगे इनकी पिपिंग और हम इनका परिवार हैं, और बाकी आपके थ्रू सारा परिवार देख रहा है इनको। हाँ, जो जो इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड को वीरों की भूमि यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ के लोकगीतों में शूरवीरों की जिस वीर गाथाओं का जिक्र मिलता है, पराक्रम के वक्त से देश विदेश तक फैले हुए हैं। देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए देवभूमि के वीर सपूत हमेशा ही आगे रहते हैं। भारतीय सैन्य अकादमी से पास आउट होने जा रहे जेंटलमैन कैडेटों के आंकड़े इसके गवाह हैं। जनसंख्या गंतव्य के हिसाब से देखें तो उत्तराखंड देश को सबसे ज्यादा जांबाज देने वाले राज्यों में शुमार है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। दांगों को अब दिव्यांग कहा जाने लगा है, लेकिन इस सम्मानजनक संबोधन से उनकी समस्याओं में कोई कमी नहीं आई है। अधिकतर जगहों पर उनके लिए जरूरी सुविधाओं और योजनाओं का अभाव है। ऐसा ही एक मामला सूरजपुर जिले के प्रतापपुर से लगे हुए ग्राम पंचायत शिवपुर, जहां गुरुदेव नामक व्यक्ति का गरीब परिवार रहता है, जिसकी एक बेटी नाम खोरी है जो दोनों पैरों से विकलांग है, जो जमीन पर घिसक कर चलती है। विकलांगता और गरीब के कारण खोरी स्कूल भी नहीं जा पाई, लेकिन विडंबना है कि वह पेंशन जैसी महत्वपूर्ण योजना से भी वंचित है। उसे ट्राई साइकिल, व्हीकल चेयर जैसी भी कोई सुविधा मुहैया नहीं कराई गई है। कई बार अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काटे, लेकिन व्यवस्थाओं और मदद की जगह सिर्फ आश्वासन मिला। बेटी का मतलब यह है कि मैं विकलांग हो गया है, चले फिर बरसाता है, कोई मसाब कुछ उनका कोई आगे निकल देखने करे, पैसा मिले लेता है ना, साइकिल मिल जाता है। हैं बोले रहे हैं तो कहें मिल जाए, बन जाए इसी कथन से। वो ग्राम किशन का कहना, वो कहे कि फोटो तो खींच चले गए, वो कहीं बन जाए, यहाँ खरीदी वाला कहन दूसरा तो वो कहीं बन जाए, तो बने के बाद कोई सुना भी नहीं हुई थी। चले फिर नहीं सके मोर बेटी, तो मैं रंगात हूँ भुलात हूँ, और खुआत हूँ पियात हूँ नहीं, सब कति मिलत है मोर बेटी को कहीं नहीं मिलत है, नहीं मिली से नहीं मिली से पैसा उसा, ना साइकिलो नहीं मिली से। नहीं, इसके संबंध में मेरे को जानकारी मिली है, मैं तत्काल पंचायत इंस्पेक्टर को भेजा हूँ और उसकी इंक्वायरी करवा रहा हूँ। जैसी वो सभी चीज़ मेरे पास सामने आती है, मैं तत्काल संबंधित शासन की संबंधित योजनाओं का लाभ दूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो अभी सामने जो फ्रंट में जो बात आई है उसी के संबंध में मैं वहां जांच के लिए भेजा हूं। रायगढ़ में शहर के हीरापुर क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच हुए विवाद के बाद एक व्यक्ति ने अपनी पड़ोसी महिला पर धारदार हथियार से हमला कर न केवल उसे घायल कर दिया बल्कि बाद में खुद को भी कमरे में बंद करके फांसी लगा ली। बता दें, घटना के बाद घायल महिला को रायगढ़ जिला अस्पताल इलाज के लिए लगाया गया, जहां महिला के परिजनों ने मृतक के घर जाकर खूब तोड़फोड़ करते हुए उक्त हमलावर को एक कमरे में बाहर से बंद कर पुलिस को खबर दे दी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नगर में आज तकरीबन सुबह 6:15 बजे के आसपास दो व्यक्तियों के बीच में लक्ष्मी पैकरा और दुर्गा प्रसाद के बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। बाद में पता चला कि कोई गायक इशू को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ था, जिस पर से आरोपी दुर्गा प्रसाद द्वारा प्रार्थिया जो लक्ष्मी पैकरा है उनके ऊपर सांघातिक हमला कर दिया गया था, और जिसमें
रश्मि बेगरा को हॉस्पिटलाइज किया गया। बिलासपुर सीपत थाना क्षेत्र के गांव मोहरा में ऑटो चालक की मौत को हत्या मानते हुए परिजनों ने आईजी कलेक्टर और एसपी से दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, दीपू वर्मा ऑटो चालक तीन मित्रों के साथ घूमने निकला था। दो दिन तक दीपू घर वापस नहीं आया, जिसके बाद परिजनों में उसका शव सिम्स के मर्चुरी में रखे होने की सूचना मिली। परिजनों ने शव को घर लाकर अंतिम संस्कार किया। परिजनों का कहना है कि मृतक के शरीर पर चोट के निशान है। वहीं पुलिस ने जांच पड़ताल में दीपू की मौत को एक्सीडेंट होना बताया है। के साथ हत्या हुआ है और जिसको उसको एक्सीडेंट बना रहा है वो थाने वाले गए तो थाने वाले लोग बोल दिए कि इधर उधर मत दौड़ भाग करो, फालतू कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद ठीक है साहब हम चले जाते हैं, ऐसे बोल करके अपन लोग कमिश्नर वहाँ साहब यहाँ कलेक्टर साहब यहाँ गए और वहाँ भी बातचीत नहीं हुआ। तो अपन आवेदन डाल करके आ गए कि कोई कार्रवाई थाने में, अभी तक पिछले एक महीने का मामला है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। जो लड़के लोग फरार हैं, जो उसमें मेरे भाई के साथ उसमें तीन आदमी और थे घटने में, तो वो लोग अभी तक से फरार है। कोरबा में अहिरान नदी का सीना चरकर में अवैध रूप से रेत की चोरी की जा रही है। वहीं खनिज विभाग मौन धारण कर बैठा हुआ है, जहां माइनिंग विभाग के मुख्य खनिज अधिकारी एसएस नाग का कहना है कि हमारे पास ऐसी किसी प्रकार की सूचना या शिकायत नहीं मिली है। सूचना मिलने के दौरान इन अवैध रूप से खनिज की चोरी करने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि अरिहन नदी में रोजाना कई ट्रैक्टर के द्वारा अवैध रूप से रेत का परिवहन किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के द्वारा मानसून से पहले सभी रेत घाटों का संचालन बंद करा दिया है। सिर्फ एक गेबरा घाट रेत घाट को चालू रखा गया है। मरवाही में अजीत जोगी के निधन के बाद से ही सियासत जोर पकड़ते हुए नजर आ रही है। मरवाही विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियों में सभी दलों के नेता जुट गए हैं। इसी बीच बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी अर्चना पोर्ते द्वारा ग्रामीणों के बीच जाकर मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया जा रहा है। कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि सैनिटाइजर में ना ही निर्माता का नाम है और ना ही अल्कोहल की मात्रा का उल्लेख है और ना ही किसी प्रकार की संस्था से प्रमाणित है। साथ ही शीशी में बीजेपी नेताओं के फोटो वाले स्टिकर लगे हुए हैं, जिससे प्रतीक होता है कि संकट की इस घड़ी में भी बीजेपी नेताओं द्वारा सिर्फ राजनीति की जा रही है, ताकि मास्क और सैनिटाइजर के बहाने चुनावी लाभ मिला जा सके। प्रदेश को गहरा दुख हुआ है, क्योंकि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे रानी जी जोगी जी, और ऐसे व्यक्ति की मृत्यु का इंतजार पूर्व प्रत्याशी जो हमारे अर्चना पुरते हैं ये लोग करते हैं। उनके द्वारा क्षेत्र में ऐसे सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है जिसका किसी प्रकार का कोई मार्का नहीं, ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा होगी। क्या इसमें 70% का अल्कोहल की मात्रा है कि नहीं, गुणवत्ताविहीन सामग्री का वितरण किया जा रहा है। गौरेला के ग्राम पंचायत गांगपुर में बड़ा फर्जी बाड़ा सामने आया है, जहां गांव के ही पुरन पड़वाओं के गांव पंचायत के अधीन आने वाले आम के बगीचे में अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। हैरानी की बात यह है कि ग्रामीणों के द्वारा उस जमीन का पट्टा भी बनवाया जाना बताया जा रहा है, जबकि पंचायत के सचिव और पूरे ग्रामीणों का कहना है कि वह बगीचा ग्राम पंचायत की है और पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष आम की नीलामी करवाई जाती थी। बावजूद इसके पूरन पटवार के द्वारा विगत दो वर्षों से बगीचे में कब्जा किया गया है। इस मामले की शिकायत ग्रामीणों द्वारा अधिकारियों से भी की गई, पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आमा प्लाट है, शासकीय जमीन था, ये धोखे से पट्टा उट्टा बनवा चुके हैं इसमें, ये तो अभी हमको अभी पता चला कि इसका पट्टा बन चुका है। और कब तक आपके जानकारी में कब तक इसका कब्जा पंचायत के पास था? ये पहले दो चार साल पहले जानकारी था, लेकिन ये तो अभी गांगपुर में आम का प्लाट है जो प्राइवेट लोगों को दिया गया था,
पर उसमें से कुछ व्यक्ति मृत हो गए थे जिसको हस्तांतरण पंचायत किया गया था। पूरन पिता बंगाली उसका कहना है कि मेरा जमीन है। अच्छा। अब हमारा कहना है कि हमारी जमीन है क्योंकि भाई पंचायत उसमें काबिज था, मगर वो पता नहीं कहाँ से जुगाड़ करके या दान दंड फंड करके पट्टा बनवा लिया उसको। राजनांदगांव जिले के छुई खदान ब्लॉक के अंतर्गत गंडई नगर में जयलाल कुर्रे वार्ड नंबर 15 के मकान को तोड़ा गया। वही मकान मालिक जयलाल कुर्रे ने सीएमओ पर 20,000 रुपए की रिश्वत नहीं दिए जाने पर मकान तोड़ने का आरोप लगाया है। प्रार्थी ने बताया कि उसी नगर पंचायत द्वारा 2 बार नोटिस भेजा गया था। नोटिस के जवाब देने पर नगर पंचायत गया तो सीएमओ ने यह कहते हुए वापस भेज दिया था कि जब तक 20,000 रुपए नहीं जाएंगे तब तक कोई सुनवाई नहीं होगी। इस संबंध में सीएमओ खुमान सिंह कश्यप का कहना है कि जिस मकान को तोड़ा गया है वह पूरी तरह सरकारी जमीन पर बना हुआ है। मकान तोड़ने से पूर्व 6 से 7 बार नोटिस भेजा गया था जिसका जवाब संबंधित व्यक्ति ने नहीं दिया है, तब जाकर मकान को तोड़ा गया है। वही 20,000 रुपए की रिश्वत मांगे जाने की बात झूठा वे बेबुनियाद बताया। एक तो वहाँ पर सुलभ शौचालय बना हुआ है, शौचालय के पास बोर है, बोर का पानी नाली निकासी नहीं होने के कारण बोर दूषित होने की पूरी पूरी संभावना है और इससे हैजा और ये सब फैलने या पीलिया जैसे महामारी फैलने की आशंका है। और इसको दृष्टिगत रखते हुए एक तो यहाँ पर पेयजल की समस्या लगातार बना हुआ है और उससे यदि ये इधर डाइवर्ट करके इन लोगों के वार्ड वासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाए। और यहाँ अब एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। खबरों का सारथी। ऑनलाइन एडमिशन इन सीएमएस फॉर नर्सरी टू क्लास 9 एंड प्रोविजनल एडमिशन इन क्लास 11 आर ओपन एट www.cmseducation.org। ऑनलाइन क्लासेस इन सीएमएस फ्रॉम क्लास 9 टू 12 विल कंटिन्यू टिल गवर्नमेंट री ओपन स्कूल्स। Online CMS summer camp nursery to class 8 will run until 30th of June and from 1st of July 2020 regular online classes from nursery to 12th will continue till government reopens school. Khudi ko aazmaya hai to ye andaaz aaya hai, khudi ko aazmaya hai to ye andaaz aaya hai. Tum mein bhi main hoon Shuddh Plus Paan Masala. आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कोरोना संकट काल में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालन नहीं किया गया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और मंत्री इतने मग्न हो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग करना ही भूल गए। दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियों को साथ में कोविड से निपटने के लिए मोदी सरकार के द्वारा किए गए कामों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क अभियान पूरे प्रदेश में और पूरे देश में चला रही है, साथ में वर्चुअल रैली ये की जाएगी।
रायगढ़ जूट मिल टीआई अमित शुक्ला के नेतृत्व में छातामुड़ा में रहने वाले दवा विक्रेता ऋषि कुमार पटेल के घर हुई बड़ी चोरी का खुलासा किया गया था। टीआई के सक्रिय सूचना तंत्र से एक दफा फिर एक बड़ी चोरी घटना हुई, जिसके बाद दूसरे ही दिन चोरी का खुलासा हो गया और आरोपियों को चोरी के सामान के साथ बरामद कर लिया। कोतवाली थाना के चौकी जुगमिल में 10 तारीख की रात को चोरी की घटना हुई थी, जिसपे अपराध कायम किया गया था। 457-380 के तहत उसके अपराध कायम करने की योजना की जा रही थी। इस पर से जुगमिल के द्वारा आज उसमें सारे चोरी के सामान बरामद किए गए। उसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी उसमें बालिग हैं और एक नाबालिग चारी बालक है। वो तीनों को गिरफ्तार करके रिमांड में भेजा गया है। फिर तकरीबन 225,000 के आसपास का बालोद जिले में 2 गांवों के बीच कार्य और सीमा विवाद को लेकर जबरदस्त मारपीट का मामला सामने आया है, जिसमें लगभग दोनों गांव मिलाकर 50 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पेवरो एवं घोगोपुरी के बीच कार्य चल रहा था और सीमा विवाद को लेकर विवाद हो गया। थाना गुरु क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पेवरो और घोगोपुरी के ग्रामीणों के बीच में रोजगार गारंटी काम करने के दौरान विवाद और मारपीट के सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी वहां पर गए थे। कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिसका मुलाहजा कराया गया है और अभी वर्तमान में तहसीलदार के द्वारा उस घटनास्थल पर उस क्षेत्र का सीमांकन भी कराया जा रहा है। बेमित्रा में प्रदेश की महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण मंत्री एवं बेमित्रा जिले की प्रभारी मंत्री अनिला भेड़िया ने आज जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में कृषि पशुपालन एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, विधायक बेमित्रा आशीष कुमार छावड़ा, नवागढ़ विधायक गुरु दयाल सिंह बंजारे भी मौजूद रहे। बैठक में मंत्री ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिले में किए जा रहे उपायों एवं प्रयास के संबंध में जानकारी ली। अब प्रभारी मंत्री जी का कोरोना के समय आगमन हुआ है, तो सबसे पहले तो कोरोना पे चर्चा हुई, तो सरकार के विकास कार्यों पे अलग अलग विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा किया गया। आने वाले खरीफ की तैयारी में क्या क्या और आवश्यकताएं हो सकती हैं, पॉजिटिव प्रकरण यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं, इसकी रोकथाम के लिए उसको क्वारंटाइन के लिए कैसी व्यवस्था हो सकती है, इससे समीक्षा किया गया। और कुछ विशेष सर बेमित्रा जिले की? कोरोना काल के लिए देश में एक राहत बड़ी खबर आई है, जहां स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49% से ज्यादा हो गया है और अभी देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कोरोना कहर के बीच राहत की खबर, देश में कोरोना रिकवरी रेट हो रहा बेहतर। 49.2% मरीजों ने कोरोना को दी मात, अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है भारत। देश में जारी कोरोना के कहर के बीच राहत की खबर भी आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना का रिकवरी रेट 49.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि ठीक हुए मरीजों की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा हो गई, कोरोना का रिकवरी रेट बेहतर हो रहा है। वहीं ICMR ने कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमें हमेशा से उस देश से तुलना करनी चाहिए जिनकी जनसंख्या हमारे बराबर है। जिन देशों की जनसंख्या हमारे देश के मुकाबले काफी कम है, उनसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव न्यूज यह है कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड अब वह नंबर एक्सीड करता है नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट से। आई वुड जस्ट लाइक टू हाईलाइट कि नंबर ऑफ पेशेंट रिकवर्ड प्रेजेंटली एक्सीड द नंबर ऑफ एक्टिव पेशेंट। एज ऑन 11 जून हमारे देश में 141,028 इंडिविजुअल्स क्योर और रिकवर हो चुके हैं। इसके साथ ही एक और मुख्य अंश मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा
कि कई बार जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम एब्सोल्यूट नंबर की बेसिस पर दूसरे देशों से कंपेयर कर कभी कभी ये बात भी करते हैं कि इस देश में केसेस ज्यादा हैं, इस देश में केसेस कम हैं। उस विषय में मैं आप लोगों की दृष्टि में यही पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगा कि कई बार ये कंपैरिजन थोड़ा सा मिसलीडिंग मिसकंस्ट्रूड हो सकता है, क्योंकि कभी भी हम कंपैरिजन जब भी करें तो हमें उससे कंपेयर करना है जिस देश की पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है। हम कभी भी जिन देशों की पॉपुलेशन हमारे देश के अनुपात में काफी कम है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। वहीं आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रति लाख के हिसाब से हमारे देश में केस कम है, बाकी देशों के मुकाबले भारत में मृत्यु दर भी कम है। हमने 83 जिलों में सर्वे किया और पाया कि लॉकडाउन कामयाब रहा, लॉकडाउन से कोरोना को कंट्रोल में किया गया। हालांकि सभी को मास्क लगाना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बहुत जरूरी है। वहीं कम्युनिटी ट्रांसमिशन के सवाल पर आईसीएमआर ने कहा कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना का प्रसार बहुत कम है, भारत कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति में नहीं है। आईसीएमआर ने कहा कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन शब्द पर लंबी बहस चल रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कोई परिभाषा निर्धारित नहीं की है। फिलहाल भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। The prevalence is less than 1% in these small districts. In the urban areas it may be slightly higher, in the containment areas it may be slightly higher. But we are definitely, India is not in community transmission, and I would like to emphasize it is not in community transmission. And ICMR के मुताबिक शहरों में गांव की तुलना से ज्यादा मामले पाए जा रहे हैं। ये सर्वे 24,000 लोगों पर किया गया था। देश भर के कई जिलों में अप्रैल के अंत की स्थिति को लेकर यह सर्वे कराया गया। इसके परिणाम के मुताबिक देश के 1% से भी कम आबादी इससे प्रभावित हुई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो उसी के साथ छत्तीसगढ़ी बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। सारथी आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। Mount Litera Z School, Unnao, number one in academics, number one in sports, best teachers, best results, smart classroom, best transport facility, world-class infrastructure ke saath, Mount Litera Z School, Unnao. Cable operators, jo pahunchate hain, aap tak hamari har baat, sajagta aur samajhdari, jinki hai pehchan, jo hain corona yodha, jo hain jimmedar, इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम में जिसका नाम है तीर्थ करो हजार, दया नहीं तो सब बेकार। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ ऋषि शुक्ला।
लाख करो पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, जीवों पर दया नहीं तो सब कुछ है बेकार। इसका अर्थ है दया धर्म का मूल है। जैसे मूल के बिना वृक्ष टिक नहीं सकता, वो फल फूल नहीं सकता और उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, वैसे ही दया के अभाव में धर्म नहीं हो सकता, वो बढ़ नहीं सकता। दयाहीन व्यक्ति धार्मिक तो क्या, इंसान कहलाने के लायक नहीं होता, वो जानवर से अधिक क्रूर हो जाता है। आजकल कई जगहों पर आपने देखा होगा कि जानवरों के साथ अत्याचार बहुत बढ़ गया है। ऐसी घटनाएं एक नहीं, दो नहीं, कई जगहों पर देखी गई हैं। सभी घटनाएं आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। हमें बचपन से जीवों पर दया करने का पाठ पढ़ाया जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधे, पुष्प, पहाड़, झरने, पशु पक्षियों, जंगली जानवरों, नदियां, सरोवर, वन, मिट्टी, घाटियों तक का अपना महत्व है। इसके महत्व को देखते हुए वेद पुराणों के जानकार घर के